गाइस दुबई का आज है मेरा डे 3 एंड आज जाने वाले हम लोग JBR बीच, जो बहुत ही प्यारा है। वहां पे बहुत ज्यादा एडवेंचर करने वाले हैं। दुबई मॉल जाने वाले हम लोग, आइस स्केटिंग करेंगे एंड बहुत सारी आज शॉपिंग भी करने वाले हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखना। पूरे दुबई में आज बवाल मचा। मैं गया यहाँ पे आइस स्केटिंग, ये भाई आइस स्केटिंग का है। आइस दुबई है यहाँ पे, स्की दुबई कहाँ पे? इधर ही है। चलो हाँ करना है, स्की दुबई करने तो आया हूँ मैं यहाँ पे। इसी में H&M में, H&M में आया है। कपड़ा कितने दिरहम का होती है? चलती है सस्ता भाई, लुई वुइटन। चलो चलो सर, अभी हम लोग जा रहे हैं आइस स्केटिंग करने। मैं करूँगा और मेरा वीडियो रिकॉर्ड होगा, तो देखो अभी आगे का मैं आपको दिखाता हूँ आइस स्केटिंग कैसा होने वाला है। मजा आ जाएगा गाइस आपको। यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग आइस स्केटिंग के पास। गाइस हम लोगों ने दो टिकट ले लिया आइस स्केटिंग का, अभी क्या करेंगे? चलो, हम दोनों को तो आता नहीं है। आता नहीं है तो क्या करेंगे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। कम से कम ले लेते, पहले पूछ तो लेता। अरे कोई ना, करते जो आता है। चलो यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पे शूज लेना है, शूज लेने हैं। अच्छा, और फिर अपना लॉकर की है, लॉकर में डाल के लॉक कर देना है शूज अपने। यहाँ पे वैसे भी गायब नहीं होने वाले, गायब तो नहीं होने वाले। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो बहुत अच्छी आइस स्केटिंग कर रहे हैं। अपन भी सीख लेंगे ना, देख के जो है ना पट पट गिरेगा। ठीक, कोई ना, ट्राई करेंगे। चलो भाई, मैंने शू पहन लिया, शू निकाला अपना, ये रहा शू। चलो अभी अंदर जाने वाले, रेडी रेडी। अभी एक सेकंड, मैं धीरे धीरे देख के देख के। अरे ये तो बहुत खतरनाक है। हम लोगों ने मैदान में हो गए, नहीं हो जा रहा है अभी हम लोग कुछ नहीं आ रहे करने। और देखो बच्चे कितने प्यारे प्यारे कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। नहीं, कोई लोग स्केटिंग में थोड़ा सीख चुका हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रेडी रेडी गो, रेडी रेडी। वेयर आर यू गोइंग? एकदम फिसलते हुए आसमान की ऊंचाइयों में, पूरा चारों तरफ लोग ही लोग, सबको आ रही है स्केटिंग और हमें नहीं आ रही है स्केटिंग। तो हम खाली धीरे 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 आगे बढ़ने की कोशिश, धीरे धीरे धीरे। चल मैं आगे का सीन दिखाता हूँ, मैं गिर जाऊँगा नहीं तो फ़ोन पकड़ूंगा तो ज़्यादा देर। जो मेरे को बैलेंस करने वाले आइस स्केटिंग, जिसमें आपका हालत ऐसे हो सकता है। करो करो, बहुत तेज जा रहा है। तो वैसे मैं भी ऐसे गिर सकता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं गिरूँ ना। देख रहा हूँ वीरे, मगर मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरे को ऐसे है मच्छी की तरह चल के जाना पड़ेगा। ओ, मैं भी थोड़ा थोड़ा सेक्सी सा किया मैंने। बेटे देख, मैं कितनी दूर आ गया उससे, ना तो मैं पकड़ पकड़ के आ रहा था। चलो अभी मैं आगे का सीन दिखाता हूँ। चलो आगे सबके साथ स्केटिंग करेंगे हम भी। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्यारा आइस स्केटिंग का एरिया है। दुबई मॉल के बीच में, बिल्कुल दुबई मॉल के अंदर है। बहुत लोग यहाँ पे स्केटिंग कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सी स्केटिंग कर रहे थे गाइस, एक नंबर की, बहुत ज़्यादा स्पीड में, बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना खतरनाक कर रहे थे। बट मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को उतना अच्छा आता नहीं है, बट बहुत ही प्यारा। इतना सारा रश है गाइस, देख रहे हो इतने लोग हैं भाई। बहुत लोग गिर भी रहे हैं, मैं 6 से 7 बार गिरा हूँ, बहुत गंदा वाला। मेरे हाथ में अभी भी दर्द है गाइस, पता है 6 से 7 बार गिर गया मैं। और देखो एक पैर से करते हो, बहुत तगड़े तगड़े। कुछ कुछ लोग तो बहुत ही ओपी कर रहे हैं यहाँ पे स्केटिंग। और अभी तो मेरे को हुआ है सिर्फ 2 घंटा नहीं आधा घंटा, हाँ 30 मिनट्स हुआ है स्केटिंग स्टार्ट करके, और मेरे को तो नहीं आता भाई करने। मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। वल्ला हबीबी, माशाल्लाह, क्या करती तुम?
पहुंच गए यहाँ पे बीच में, और पीछे आप लोग देख सकते हो एकदम शानदार सा व्यू। अभी हम लोग जा रहे हैं सब कुछ लेने बीच के लिए, मतलब लेंस और सारे कुछ एंजॉय करते हैं। चलो गाइस अभी बीच में फटाफट यहाँ से निकलना है। चलो आ गए अंदर, यहाँ से सब कुछ लेना है, सनस्क्रीन लेना है मेरे को और बाकी ये सारे सामान लेना है, जैसे स्विमिंग करने का पूरा कॉस्ट्यूम लेना है यार। ठीक है धीरज भाई कहाँ पे हो, क्या क्या लेना? स्विमवियर वाला, स्विमवियर हाँ यही है, वाला है। मैं भी लेके देता हूँ। चलो मैं ये लूँगा, हाँ इसका आँख में का ये चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ, एक ये चाहिए मेरे को। ठीक है चलो गाइस ये एक मेरे के लिए। वल्ला हबीबी सब शॉपिंग हो जाती है स्विमिंग अपने 5 मिनट में सारी शॉपिंग। एक मिनट गाइस लगता नहीं है, बस जो मन है उठा लो बस, कुछ नहीं। अभी हमको चेंज करना है, चेंज करके वॉशरूम, वॉशरूम ये रहा। चलो इधर अपने को क्या करना है, चेंज करना है बस, चेंज करके अंदर जाना है। फिर एकदम बवाल मचा, और गर्मी बहुत है, बवाल मचा देना है अंदर, पूरा समुंदर, पूरा समुंदर अपना ही हो जाएगा। चलो फटाफट वॉशरूम में चलते हैं। मेरे को पता भी जल्दी जल्दी में काम खराब हो रहा है वॉशरूम। अल्लाह बीच पे, और यहाँ पे आज हम लोग करने वाले गाइस बहुत कुछ करने वाले यार, मज़ा आ जाएगा। आज आपको यहाँ पे देख सकते हो आप लोग पूरा यहाँ से व्यू। हम लोग अभी तैरने वाले हैं सी में, ये पूल और नहीं है, सीधा समुंदर में हम लोग तैरने वाले हैं। यहाँ पे देख लो पूरा बीच भरा पड़ा है, तो आज गाइस मज़ा आ जाने वाला है। देख लो कितनी भीड़ है, पूरी भीड़ है। आज हम लोग इधर जाएंगे सामने पैलेस में, फिर आगे जाएंगे बोट में, फिर बहुत कुछ करने वाले, आपको एक एक वीडियो तो पूरे आपको मिलते रहेंगे, तो एंजॉय करना। हम लोग अभी कर रहे हैं सनस्क्रीन लगा रहे हैं यार, भाई काला हो जाऊंगा मैं, नहीं तो सनस्क्रीन बिना लगाए यहाँ से जाऊंगा तो काला हो जाऊंगा। देखो सब लोग सनस्क्रीन लगा रहे हैं, एकदम बॉडी दिखा दो सबकी, रेडी टू बॉडी दिखा दो, स्विम रेडी टू स्विम तैयार। अभी हम लोग यहाँ पे पूरा अभी गए थे हम लोग, और आ चुके हैं वापस, क्योंकि मैं अंदर फोन लेके जा ही नहीं सकता यार, नहीं तो मैं सब आपको दिखाता था। लेकिन अभी मैं करूँगा जेट्स की और एक और चीज़ करूँगा, तो वो दो चीज़ मैं आपको आराम से दिखा पाऊँगा। ठीक है वो गाइस यहाँ पे हम लोग सामने गए थे, वहाँ पे आप लोग देख रहे हो बहुत सारा एडवेंचर का सामने, वहाँ पे हम लोग गए थे अभी, और पूरा 2 घंटा वहाँ पे थे हम लोग, एंड अभी लोग बैठे हुए। चलो अब भी हम लोग जाने वाले हैं, रेडी हो आप? रेडी हो, तुम्हारी बारी, स्टार्ट करना तो बता। मैं बताऊंगा धीरे धीरे। देखो ये एक्सेलेटर है जो तुम्हारे ऊपर है, एक्सेलेटर धीरे धीरे, ये ग्रीन स्टार्ट है रेड स्टॉप है, ठीक है तो धीरे धीरे चलाना। ठीक है कौन सा स्टार्ट है? ग्रीन ऊपर का, यहाँ पे ग्रीन है। हाँ अभी नहीं हाँ खाली स्टार्ट कर लो। तो रेडी हो गाइस, अभी हम लोग जाने वाले हैं, देखो पूरा दुबई। ओ रेडी, धीरे 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 चलो। मैं हाथ में फोन है, तुम्हारा फोन है, मेरा फोन नहीं है, आराम से। अबे बेटे तुम्हारा फोन है, मेरा नहीं है बेटे, गिरा तो नहीं बोल रहा तो रख इसे धीरे चलाओ, पहले धीरे धीरे। अबे चलाना शुरू कर दो यार। हाँ धीरे चलाओ, एक दो वीडियो लेंगे तगड़ी सी, धीरे चलाओ। आवाज निकाल रहा है गाड़ी, लगता है हवा हवा पंचर हो गई गाड़ी में, हवा पागल हो गया क्या भाई? भाई 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 मजा आ जाती दुबई देखते तो। वल्ला बीबी तुम इतना चलाती, धीरे धीरे चलाओ एकदम धीरे 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 एकदम स्लोली स्लोली पलट जाती गाड़ी, हमें मालूम होती गाड़ी पलट जाती देख के गाइस, पूरा नजारा देख, धीरे धीरे चलाती, धीरे धीरे जेट्स कर, बहुत जितने आप लोग देख सकते हो सारे ब्रांड से शूज के, जॉर्डन भी है एंड सारे के सारे शूज है, गुची सब है यहाँ पे। तो आज हम लोग लेने वाले जॉर्डन लेंगे, जो एक जॉर्डन 3000 दिराम का है। 3000 दिराम कितना हुआ? 60,000 50,000 का एक एक जॉर्डन है। तो गाइस आज हम लोग लेने वाले, एक या दो लूंगा ठीक है। चलो अभी मैं
सो गाइस ये है अपना जॉर्डन स्टोर जिसमें एक एक शू को इतना डेकोरेट करके रखा है। और जो ये ग्रीन वाला है ये मेरे पास पहले से ही गाइस जॉर्डन, और एक एक यहाँ का शू का प्राइस है 60 से 70-80 thousand। एंड यहाँ के कुछ ऐसे शूज़ हैं जिनके प्राइस है गाइस 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh, 30 lakh, 40 lakh, 40 lakhs भी है। देखो जो इसके अंदर शूज़ है, इस शूज़ के प्राइस 50 lakh, 60 lakh, 70 lakh तक चल जाएंगे। एक एक शू 400K dirham, 500 lakh dirham, 600 lakh dirham का है। और जो यहाँ पे शू है ये 10,000 dirham, 20,000 dirham के जो, और यहाँ पे जो शूज़ आप लोग देख रहे हो ये 2,000 dirhams के, और जो ये अंदर है इस बॉक्स के अंदर ये 20,000-30,000 dirhams, मतलब 3,00,000। सो गाइस मैंने ये ब्लू वाला एक पसंद किया जो मैंने लेने वाला हूँ, ये है गाइस 3,500 dirham, 80,000 rupees का ये जॉर्डन, और मुझे ये अच्छा लगा है तो ये मैं लूँगा। मेरे पास तो एक मैं अभी पहन के हूँ, आप लोगों ने देखा, और ये ब्लू में मेरे को अच्छा लगा तो ये हम लोग एक लेंगे। और मैंने डियोर भी देखा यहाँ पे जिसका प्राइस है 7 lakh rupees, तो घर में गाइस मार देंगे अगर उतना महंगा खाली जूता ही लूँगा गाइस, वो 7 lakh का जूता है, तो ये इससे अच्छा ये ले लूँ मैं 80-90 thousand का, ये भी अच्छा है। तो एक ब्लू वाला अच्छा है तो ये ले रहा हूँ जो मैं अभी पहना हूँ, एंड अभी दूसरे भी देखने वाले दूसरे कौन कौन आएंगे। सो यहाँ पे दूसरे शूज़ भी आ गए, ये है अपना ट्रेवन स्कॉट एयर जॉर्डन, ये 12,000 dirham का है गाइस, मतलब इंडियन करेंसी में अपना हुआ इजीली 2,20,000 or 2,30,000 का ये शू है। और ये है ट्रेवन स्कॉट एडिशन, ट्रेवन स्कॉट पता ही है आपको कौन है, रैपर है, तो ये है वो। मुझे ज़्यादा इसमें कुछ खास दिखा नहीं, मुझे ब्लू वाला ही अच्छा लगा, ये उतना अच्छा भी नहीं है, और बस ये अच्छा नहीं है गाइस, लेकिन है लिमिटेड और रेयर शूज़ है तो, लेकिन मेरे को पसंद ही नहीं है। ये रेड वाला मुझे बहुत अच्छा लगा एयर जॉर्डन, और ये ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लगा कि ले लूँ मैं, बट ठीक ठाक है, ये भी रेड कलर में मेरे को अच्छा ही दिख रहा है, तो सोचा ये भी ट्राई कर लें, ये भी देख लें। ये है 3,000 dirham, 60,000 rupees का ये भी शू है, सेम प्राइस है 60, 65, 70, 80 thousand स्टार्टिंग प्राइस है, हर शूज़ का स्टार्टिंग प्राइस इतना ही है। सो गाइस यहाँ पे कुछ तगड़े शूज़ आए, जैसे ये वाला शूज़ गाइस जो पर्पल कलर में, पर्पल नहीं ये तो दूसरा है, इसके बाद ये तो गाइस डार्क कलर में, ये मेरे को ठीक ठीक ही लगा। इसका भी प्राइस सेम था, इसका था 4,000 dirhams, 80,000 something था इसका, उतना मेरे को ज़्यादा खास दिखा नहीं, बट लिमिटेड है ये शूज़, इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाले, जो ये शूज़ ले रहा हूँ ना यहाँ पे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेंगे। और ये जो पर्पल है ये भी मेरे को पसंद आया था, ठीक दिख रहा था, बट प्राइस भी गाइस 90 lakh, 90,000, 1 lakh है, और इंडिया में मिलते भी नहीं है शूज़, तो मैंने तो अभी देख ही रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है। पर्पल वन भी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, पर्पल रेड पर्पल भी अच्छा दिखा, और ट्रेवन स्कॉट का भी मेरे को ठीक ठीक ही दिखा, मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं दिखा बट ठीक ठीक दिखा। और पर्पल ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्लू वाला जो एयर जॉर्डन वन था मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये पर्पल भी मेरे को पसंद आया गाइस, अच्छा लगा ये पर्पल भी। और इसका था 4,000 dirhams, वही 90,000 है, 1 lakh के बीच में कुछ है इसका प्राइस, और इंडिया में तो ये कहीं नहीं मिलेगा मुझे। यहाँ पे और लिमिटेड एडिशन शूज़ आ गए, ये है 6,000 or 7,000 dirhams, मतलब 1,50,000 की ये वाले शूज़ है, ये भी एयर जॉर्डन ही है, कौन से मुझे बताया नहीं, बट ये लिमिटेड शूज़ है, और मुझे ये अच्छे लगे गाइस, ये लिटरली मेरे को पसंद आए ये शूज़। और ये पर्पल वाला भी मुझे पसंद आया था पर्पल, और वो जो पीछे आपने देखा ना वो भी मुझे पसंद है। अब मुझे दो शूज़ लेना है, तो हम लोग डिसाइड करेंगे कौन से दो शूज़ लेने। चलो यहाँ पे दो शूज़ मैंने फाइनल कर दिया है गाइस फाइनली, और मैं वो दोनों शूज़ देख सकती हूँ, अभी पैक हो रहा है अपने, एक देख लिया ये वाला मैंने लिया है, दूसरा मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कौन सा मैंने लिया है शूज़। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग देखने जाने वाले यहाँ ये स्टोर के सबसे एक्सपेंसिव शूज़, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है 4 lakh dirham, 5 lakh dirham, 6 lakh dirham, 7 lakh dirhams, समझ जाओ सबसे महंगे शूज़ है, और एक एक पीस ही है।
और ये जो सामने आप लोग शूज देख रहे हो ये भी बहुत यूनिक है, ये 20,000 दिरहम के शूज़ है। तो चलो पहले मैं आपको दिखाता हूँ सबसे महंगे शूज़ यहाँ के जो ये शोरूम में अभी रखे हुए हैं, वो है गाइस ये शूज़। और ये हर एक शू का कॉस्ट 2 लाख 3 लाख दिरहम है, जो इंडियन करेंसी में हुआ गाइस 25 लाख 7 लाख 18 लाख 50 लाख 40 लाख 33 लाख 22 लाख, इतने महंगे महंगे ये शूज़ हैं यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे भैया निकाल के देने वाले हैं एक दो। ये वाला नहीं चाहिए मुझे, ये रेड वाला मुझे अच्छा लगा। सो ऊपर जो रेड वाला है ना गाइस, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि रेड वाला बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा और ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। जो भी ये शूज़ मैं देख रहा हूँ ना, ये रेड वाला का प्राइस कितना पता है, 300 के दिराम है, मतलब 3 लाख दिराम अपना इंडियन करेंसी में हो जाएगा गाइस, समझ जाओ 30 से 35 लाख। और ये ब्लू वाला है 200 दिराम्स का, मतलब 2 लाख दिराम मतलब हो जाएगा अपने इंडिया में 24 लाख 24 लाख। और ये है गाइस 25 के दिराम, 25,000 दिराम। सो गाइस यहाँ पे मुझे फ्री कॉइन्स मिले जिससे मैं शूज़ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर बहुत सारे शूज़ हैं, मुझे जस्ट की एकदम एग्जैक्ट जो यहाँ पे स्पेस है उसके अंदर की को अंदर डालना है और जो भी जो शूज़ के पास डालूँगा वो शूज़ मिल जाएंगे। और पूरे जॉर्डन है और थोड़े से बच गए मेरे पास, बहुत सारे इसके कॉइन्स मुझे मिले क्योंकि यहाँ से मैंने 10,000 दिरहम्स के शूज़ लिए, मतलब यहाँ से हम लोगों ने गाइस लिया है ईजीली 2 लाख समथिंग रुपीज़ का शूज़। तो इसके लिए मुझे ये गेम खेलने के लिए फ्री दिया है 6 से 7 कॉइन्स और फिर से एक और ट्राई मैंने किया है, क्या इसमें निकलेगा। गाइस टच हो गया, की टच हो गया, मतलब जितने बार की टच होगा उतने बार हमारे चांस गए। अभी सब लोग एक एक करके करेंगे, तो मतलब एक की से हम लोग 3 बार कर सकते हो गाइस, मतलब सब एक एक करके करने वाले हैं यार, मजा आ जाएगा। क्या निकलेगा इसके अंदर से शिव, आपको लगता है गाइस? अभी धीरज भाई रेडी हो, नीचे कर लो कैप, रेडी रेडी रेडी। धीरज भाई जीतना है अपने को, लेट्स गो, अंदर डाल दो चाबी, डाल दो ताले के अंदर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बराबर एकदम निशाने से। गाइस तुम रेडी होती, तो गाइस फरारी रेडी होती, तुम रेडी होती, गाइस सब रेडी होती आगे, चलो शुरू कर दे रेस। मैं भी रेडी हूँ अपनी गाड़ी में, आज हम लोग गाड़ी को उड़ा देंगे। ओ अल्लाह हबीबी, अल्लाह हबीबी, हबीबी हबीबी हबीबी, तुम रे 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 रे, निकल जा। अरे 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 अरे, अरे भैया जाने दो, अरे भैया माफ करो हमको, हम साइड में होती गाइस, ये लोग फंसी हुई होती, हम साइड में होती। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो धीरज भैया, अरे धीरज भैया जाने दो मेरे को, जाने दो भाई मेरे को, चलो हम निकल जाती है भीड़ में से। वो वल्लाह बीबी, वल्लाह बीबी, अरे भैया अभी हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से, टाटा बाय बाय करेंगे। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मरीन बीच से जा रहे हैं ना घर, होटल जा रहे हैं हम, जुमेरा बीच। तो ये रहे बड़े बड़े बिल्डिंग, तो चलो अभी घर पे चलते हैं। वल्लाह अभी भी, और नया टैटू बनवाया मैंने, इधर भी बनवाया है, दोनों बनवाया है। चलो मैं आपको मिलता हूँ घर।